बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबिया और आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश बिरयानी। इसके लिए मैंने 8 पीसेस लिए हैं फ़िश के। सुरख मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक, सौंफ, ज़ीरा, दही, लेमन जूस, पिसी हुई लाल मिर्च, चावल, छोटे प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, आलू बुखारा लिए, साबित गरम मसाला, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, जर्दी का कलर, बिरयानी मसाला, नमक, दही, ऑयल। मछली की मैरिनेशन के लिए तमाम मसाला जार को ग्राइंड करके मछली पे लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया। अब इसको मैं मछली पे लगाऊंगी और 1 घंटे के लिए मछली को रख दूंगी। मसाला पीस के मैंने मछली पे लगा दी है। अब 1 घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, पैन रखा ऊपर, इसको ड्राई होने दूंगी। पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी, इसमें प्याज ऐड करूंगी, प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे फिर इसमें तमाम मसाला जार डालेंगे। टमाटर गल चुके हैं और टमाटरों का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूंगी बिरयानी मसाला। सौंफ मिर्च, हल्दी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगे और दालचीनी, आलू बुखारा, नमक, और दही।
और इसको अब हम भूनेंगे। और इन तमाम मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मसाला भुन चुका है, अब इसको मैं दूसरे पैन में निकाल लूँगी और मछली फ्राई करूँगी। दोबारा से इसको मछली को फ्राई करके इस मसाले में भूनूँगी। मछली फ्राई करने के लिए इसमें मैं ऑयल डालूँगी। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर इसमें मछली डालूंगी। और इसको लो फ्लेम पे मैं फ्राई करूंगी। पांच मिनट तक इसको मैंने पकाया। अब इसकी मैं साइड चेंज करूंगी। और पांच मिनट तक दूसरी साइड से इसको फ्राई करूंगी। जब आप इसकी साइड चेंज कर लेंगे तो इसको ज़्यादा नहीं हिलाना क्योंकि इस तरह मछली टूट जाएगी। पाँच मिनट हो चुके हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। और इसी तरह जो बाकी फिश है वो भी मैं फ्राई कर लूंगी। चावलों को बॉईल करने के लिए पानी मैंने बॉईल कर लिया। अब इसमें मैं अदरक डालूंगी, बाद कड़ी पत्ता डालूंगी, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंगें और जीरा ऐड करूंगी, बादियान के फूल भी। नमक ऐड करूंगी इसमें। चावलों को अच्छी तरह मैंने धो के भिगो दिया आधे घंटे के लिए। अब वो इसमें मैं ऐड करूंगी। बॉयल आने तक इसको पकाऊंगी। जब ये हाफ कुक हो जाएगा, देखें दो कनी चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको उतार लेंगे। मसाला जो हमने भून के रखा था वो हम इसमें दोबारा से ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला नीचे ना लगे। अब हम इसमें फिश ऐड करेंगे। जब इसमें आप फिश ऐड करें तो इसमें चम्मच
बहुत एहतियात से चलाइएगा ताकि मछली टूट ना जाए। अब इसको हम लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसको अब हम पकने देंगे हल्की आंच पे। इसको अब हम हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। इसको अब हम मिक्स करेंगे इंतहाई एहतियात के साथ। ताकि मछली टूट ना जाए। मछली अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसको मसाले में से अलग-अलग कर लेंगे और चावलों को दम देंगे और उसके ऊपर मछली रख देंगे। मसाले में मैं चावलों को मिक्स करूंगी। तो मसाले को अच्छे तरीके से चावलों में मिक्स करके व्हाइट चावल के ऊपर लेयर लगाऊंगी। इसमें मैंने मसाला मिक्स नहीं किया क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छी लुक देते हैं। इसमें मैं फूड कलर ऐड करूंगी। हरी मिर्ची ऐड करूंगी। पुदीने की चंद पत्तियां डालूंगी। अदरक और इसके ऊपर मैं बहुत एहतियात से फिश रखूंगी। जिस ऑयल में हमने फिश फ्राई की थी वो ऑयल इसमें ऐड करूंगी। और इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। बीस मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।